दोस्तों, अनार का पौधा अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं या आपने अनार का पौधा घर पे लगाया हुआ है, तो आज मैं उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि अनार के पौधे को कैसे पॉट में लगाना चाहिए और कैसे मिट्टी में इसके लिए बनानी चाहिए, जिससे कि अनार के पौधे में आने वाले जो समय है ये जुलाई अगस्त में जो इसमें फल लगने स्टार्ट हो जाते हैं और इस महीने से इसमें फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो अनार के पौधे को किस तरीके से उसकी देखभाल करी जाए जिससे कि उसमें खूब सारे हमें अनार मिले खाने के लिए। और हम अनार का पौधा अगर हम नर्सरी से लाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसमें खूब सारे अनार मिलने लग जाएंगे जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब अनार का पौधा करीब 2 साल का हो जाता है, आप नर्सरी से लाए जो पौधा होता है उसमें ग्राफ्टिंग वाला पौधा होता है, अगर उसको 1.5 से 2 साल हो गया उसके बाद ही उसमें अनार लगने स्टार्ट होते हैं। आप सोचेंगे कि उसमें अभी से फूल नहीं आए, उसमें खूब ढेर सारी खाद दे दें, ढेर सारा उसमें नाइट्रोजन डाल दें, ढेर सारा फास्फोरस डाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। अनार का पौधा जो है वो अपने टाइम में ही फल देगा, जब 2 साल का हो जाएगा उसके बाद ही फल देगा, और अगर आपका 20 से लगा हुआ है तो उसमें कम से कम आप मान के चलिए कि 5 साल लग जाएंगे फल देने के लिए। तो आज मैं पूरी जानकारी दूंगा कि अनार का पौधा कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए और इसको कैसे पॉट में लगाना चाहिए जिससे कि हम इससे ढेर सारे अनार ले सकें। ये मैंने देखिए, ये पौधा जो लगाया था ये इसको करीब 4 से 5 साल हो गए हैं और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसकी ग्रोथ का एक कारण है जो मैंने इसमें काम किया उसकी वजह से इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब अनार का पौधा आपका 2-3 साल का हो जाएगा, उसके बाद उसमें एक जो काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से उसमें ढेर सारे जो है ब्रांचेज निकलती हैं और ढेर सारे फल हमें मिलते हैं। तो मैं पूरी जानकारी दूंगा, आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा बनाना पड़ा, उसकी वजह से आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें तभी आप अनार के पौधे के बारे में जानकारी ले पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, नेचर इन थर्ड फ्लोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, मैंने अनार का जो पौधा है ये अपनी छत पर लगा रखा है और छत पर देखिए ये इतने बड़े ड्रम में लगा रखा है, जो ड्रम करीब 200 लीटर का होगा, ये उसका हाफ मैंने देखिए इसमें लगा रखा है, क्योंकि अगर नर्सरी से आप पौधा ला रहे हैं इस समय या आप नर्सरी से पौधा लाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको आप सीधे डायरेक्ट ड्रम में ना लगाएं या कोई बड़े पॉट में ना लगाएं, उसको जो है आप सबसे पहले जो है एक मिट्टी का गमला लीजिए, कम से कम 14 इंच का मिट्टी का गमला लीजिए, मिट्टी के गमले में उसे लगाइए, क्योंकि जब पौधा आप इतने बड़े गमले में लगा देंगे उसका कारण यह है कि नहीं लगाने का, कि अगर आप इतने बड़े पॉट में या बड़े ग्रो बैग में लगा देंगे, ये देखिए जैसे इस साइज के ग्रो बैग हैं, ये 24x24 का ग्रो बैग है इधर, ये तो इसमें लगाएंगे तभी वो पौधा ग्रोथ करेगा, लेकिन अभी इस समय नहीं लगाना है, पहले सबसे पहले उसको 1-1.5 साल मिट्टी के गमले में लगाइए। मिट्टी का गमला आपका 14 इंच का होना चाहिए, उससे छोटा मिट्टी का गमला लेंगे तो आपको जल्दी रिपोर्ट करना पड़ेगा, 14 इंच का होगा तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा रिपोर्ट करने में, 2 से 3 साल लग जाएंगे क्योंकि रूट बॉन्ड हो जाएगा उसके बाद ही रिपोर्ट करा जाता है पौधा। तो आप जब पौधा नर्सरी से ला रहे हैं तो उसे आप गमले में लगाइए, और उसके लिए मिट्टी जो है सबसे मेन चीज़ होती है पौधे की, अगर जब आप नर्सरी से जो पौधा लाते हैं उसमें जो मिट्टी कैसे बनाएं, तो मिट्टी में आप सबसे पहले जो मिट्टी होती है उसमें अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए, अच्छी जल निकासी मतलब उसमें पानी बिल्कुल ना रुके, क्योंकि अगर पानी रुक गया मिट्टी में तो उसकी जो है पौधे की जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाती है, उसमें फंगस लग जाता है और पौधा कुछ टाइम में ही आपका मर जाएगा, इसलिए आप पौधे को ऐसी मिट्टी में लगाएं जिसमें पानी रुके ना। तो उसके लिए मिट्टी कैसी बनानी है आपने, उसमें आप 50% जो है मिट्टी लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ आपको मिट्टी बहुत कम लेनी पड़ेगी अगर आप उस तरीके से लगाएंगे, जैसे आपके गार्डन का जो पत्तियाँ वगैरह या कोई लीफ वगैरह या कोई पौधे वौधे गिरे रहते हैं आप उनको अगर गमले से भर देंगे, मतलब आधा भर देंगे और उसके बाद उसमें मिट्टी भरेंगे, तो आपको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो वो डिकम्पोज होते रहेगा तो आपकी जो है खाद उससे तैयार हो जाएगी, तो आपको मिट्टी भी ज़्यादा नहीं लगेगी और पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा उससे। तो आप ऐसे मिट्टी में लगाइए और उसमें 50% गार्डन सॉइल और 30% जो है काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी आप लेना चाहें वो ले लीजिए, और उसमें 20% राइस हस्क लीजिए, राइस हस्क भी बहुत हल्की, उससे हल्की मिट्टी बनती है और उससे जो है पानी रुकता नहीं है पौधों में, पौधे की जो मिट्टी होती है उसमें पानी नहीं रुकेगा तो आपकी जो है पौधा ग्रोथ भी करेगा और अच्छे से उसमें बाद में फ्लावरिंग वगैरह जो आती है वो भी अच्छी आएगी, फ्रूटिंग भी अच्छी आएगी। तो आप जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी मिट्टी में लगाइए उसको,
उसके बाद जब वो एक डेढ़ साल का हो जाता है, डेढ़ साल उसको उस मिट्टी में लगे हुए हो जाते हैं, तो आप उसको उसके बाद बड़े ड्रम में या बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे मैंने बड़े ड्रम में शिफ्ट करा, ये मेरा पहले छोटे जो गमले में ही लगा था, उसके बाद जब ये दो साल का हुआ उसके बाद मैंने इसको बड़े ड्रम में शिफ्ट करा। अब उसके बाद इसको दो साल और हो गए हैं, देखिए उसके बाद कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, हर ब्रांच देखिए कितनी मोटी स्टेम हो रही है इनमें। ये मेरा पौधा जो है बीज से ग्रो हुआ था, पिछली बार जब मैंने इसको ड्रम में लगाया था उसके बाद इसमें जो फ्रूटिंग हुई इसमें मुझे कम से कम 20 से 25 दाने खाने को मिले। तो आप भी अगर ड्रम में लगाएंगे पौधा या ग्रो बैग में लगाएंगे, 24 इंची के ग्रो बैग होना चाहिए उसमें लगाएंगे, तो उसके लिए मिट्टी भी उतनी चाहिए होगी। तो आप मिट्टी के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है जो मिट्टी बनानी है उसमें आप पत्ते वगैरह डाल दीजिए ड्रम में, पत्ते और जो घास फूस जो भी होती है हरी घास वगैरह, उसके बाद उसमें मिट्टी भरिए तो आपकी मिट्टी भी कम लगेगी और खाद भी कम लगेगी। तो इस प्रकार की मिट्टी में उसको लगाइए, मैंने उसी प्रकार की मिट्टी में लगाया और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अब बात करते हैं पौधे को कैसी जगह में रखना है आपने। आप जब भी पौधा रखते हैं लगाते हैं तो ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पर को फुल सनलाइट, उसको पूरे दिन की धूप मिले। ये देखिए मेरा ये पूरे दिन की धूप में रहता है पौधा और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। जो क्योंकि जो फल वाले पौधे होते हैं इनको अगर आप एक दो घंटे की धूप में या छाया वाली जगह में रखेंगे तो इसमें फ्रूटिंग आप सोचे ही मत कि फ्रूटिंग होगी इनमें, क्योंकि धूप बहुत आवश्यक होती है फल वाले पौधों के लिए, खासकर कोई भी फल या फूल वाले पौधों के लिए। फूलों को खिलने के लिए भी धूप की आवश्यकता होती है और थोड़ा सा गर्मी मिलती है पौधे को तभी इसमें फ्रूटिंग अच्छी होती है। ये देखिए इसमें जो है अब ये फूल लगना भी स्टार्ट हो गए हैं। ये अब मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने से अप्रैल के महीने से स्टार्ट हो जाते हैं इसमें फूल लगना। ये हल्के हल्के देखिए आप ये दिख रहे होंगे आपको, ये एक ये है, हर ब्रांच से थोड़े थोड़े फूल निकलना स्टार्ट हो गए हैं, स्टार्ट ये बर्ड्स निकलनी स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें आप खाद तो जब भी आप देते हैं, जैसे फूल लगना स्टार्ट हो गए हैं उसके बाद आप इसमें गोबर की खाद ऐड कर सकते हैं। कम से कम आप 100 ग्राम गोबर की खाद इसमें ऐड कर दीजिए मिट्टी में, और मिट्टी में इसमें ऊपर से नहीं डालना है, मिट्टी को आप 2-3 इंच खोद के जब भी आप इसमें गुड़ाई करेंगे उसमें अगर गोबर की खाद देते रहेंगे हर 10-15 दिन में, और उसके साथ साथ आप नीम खली दे सकते हैं। नीम खली को आप 100 ग्राम कम से कम नीम खली आप पानी में भिगा कर रख दीजिए, 3-4 दिन के लिए रख दीजिए, 3-4 दिन उसको हिलाते रहिए, और उसकी खाद जो है लिक्विड फर्टिलाइजर आप पानी में मिलाकर इसमें दे सकते हैं। उससे भी जो फ्रूटिंग जो इसमें फ्रूटिंग और जो इसमें फूल लगने स्टार्ट होते हैं वो अच्छे आते हैं, और जो फूल जो गिरने की समस्या होती है वो जो हम इसको धूप में नहीं रखते हैं और इसमें खाद वगैरह कम देते हैं उसकी वजह से भी इसके फूल झड़ जाते हैं। तो आप ऐसी जगह पर रखिए धूप आए जहाँ, और इसमें हर 10-15 दिन में गोबर की खाद या वर्मिंग कंपोस्ट या आप नीम खली जो होती है, नीम खली का पाउडर मिलता है मार्केट में, आप वो लाकर भिगाकर वो दे सकते हैं। इसमें हर 10-15 दिन में इसको खाद देना जरूरी होता है। अब बात करते हैं इसमें जो फूल गिरते हैं वो क्या कारण होता है। वो कारण एक ये होता है कि आप इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कर देते हैं पौधे में। पौधे में इतना पानी दीजिए कि ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए, एक बार में आप पानी दीजिए ड्रेनेज होल से बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको जब ऊपर की मिट्टी सूख जाती है, ये देखिए जैसे मैंने आज कल दिया था इसमें पानी, 1-2 इंच की मिट्टी जो है गीली है थोड़ी, ये देखिए इसमें आज अब पानी दूंगा दोबारा से तो 1-2 दिन चल जाता है। ये जो पौधा होता है ये अगर इसको ज़्यादा पानी दे देंगे तो ख़राब हो जाएगा, और अगर कम पानी दे रहे हैं, कम पानी देने में ये होता है जब फूल आने स्टार्ट होते हैं अगर इसको हम कम पानी देंगे तब भी इसके फूल झड़ जाते हैं। पानी इतना दें कि मॉइस्चर बना रहे इसमें, 1-2 दिन के लिए आप पानी नहीं भी देंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन जो इसमें फ्रूटिंग है वो कम होगी क्योंकि ये थोड़ा सूखा झेल लेता है ये पौधा। अनार का पौधा जो है गर्मी में ही जो इसमें फल लगते हैं, इसलिए इसमें अगर पानी की मात्रा थोड़ी सी कम भी होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा होगी तब इसमें पौधे में दिक्कत आ सकती है। तो इसमें आप पानी की मात्रा इतनी रखिए कि इसमें 1-2 दिन चल जाए। अब बात करते हैं आपके जैसे पौधा 2-3 साल का हो गया है, जैसे नर्सरी से लाए आप उसको 2-3 साल हो गए हैं, उसमें एक बार फ्रूट ले लिया आपने, मान लिया उसमें फल आ गए हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी प्रूनिंग कर देनी है, कटाई छटाई कर देनी है, क्योंकि पौधा जितना घना होते रहेगा उतनी ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग होगी। ये देखिए मैंने इसकी ये मेरा मैंने 2 बार इसमें कर दी है प्रूनिंग। ये देखिए जो इसमें मैंने 2 महीने पहले प्रूनिंग करी थी, दिसंबर के महीने में लास्ट में प्रूनिंग करी थी, यहाँ से कट करा था, उसके बाद देखिए कितनी नई नई ब्रांच इसमें निकल गई हैं।
एक दो तीन चार पांच ब्रांच एक जगह से निकल गया। इसी प्रकार से मैंने ये पूरे पौधे में देखिए यहाँ भी प्रूनिंग करी थी, ये कट करा था यहाँ से, ये देखिए आपको हल्का दिख रहा होगा ये कट करा है यहाँ से। उसके बाद इसमें देखिए आठ नौ ब्रांच इसमें भी आ गई हैं। ऐसे ही पौधे में हर ब्रांच से आठ नौ ब्रांच आ ही रही हैं। यहाँ से भी देखिए ये कट करा था, क्योंकि जब पौधा फ्रूटिंग स्टार्ट कर देते हैं उसके अगर एक दो साल बाद इसको हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहें, कटाई छटाई करते रहें, तो इसमें और ज़्यादा ब्रांच आएंगी, और ज़्यादा ब्रांच होंगी तो ज़्यादा फल आपको मिलेगा। तो आप जब बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर देते हैं उसके बाद इसकी थोड़ा सा हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। अक्टूबर नवंबर में इसकी प्रूनिंग हल्की हल्की कर देंगे, उसके बाद जो दिसंबर का महीना आता है दिसंबर में भी कर सकते हैं, दिसंबर में भी इसकी हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं, और इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो हर साल इसमें अच्छी फ्रूटिंग आप ले पाएंगे। तो ये प्रूनिंग की बात होगी, और खाद की बात मैंने आपको बता दी है कि खाद कितनी देनी है इसमें। हर 10-15 दिन में आप इसमें खाद ज़रूर दें, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप यूज खाते हैं चीज़ को, अनार के फल को आप खाते हैं, तो आप केमिकल का यूज नहीं करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और केमिकल से क्या होता है, फ्रूटिंग तो अच्छी ले लोगे आप, लेकिन पौधा जो है एक दो साल में ही ख़राब होने लग जाएगा, क्योंकि केमिकल पौधे को ख़राब कर देता है। और आपने ये रखना है कम से कम 20 साल आपको ये पूरी फ्रूटिंग देगा। 20 साल जब अनार का पौधा हो जाता है, 20 साल 20 से 25 साल तक फ्रूटिंग अच्छी आती है। आप इसमें गोबर की खाद या जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो यूज करते रहिए। और दोस्तों, अनार से संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ, और आगे इसको शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।